नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हम लेडीज टेलर बुटीक। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा के प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे अस्तर वाले सूट की कटिंग करना। तो अस्तर वाले सूट की कटिंग करने की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों चलते हैं कटिंग करना। तो दोस्तों ये देख लीजिए, हमने कपड़े को बिछा लिया है। बिछाने के बाद जो नाप है उसी के हिसाब से इसको बिछा लेना, आपको सेट कर लेना है। इसके बाद में करेंगे इसकी कटिंग। तो ये देख लीजिए, इस तरह से आपको सेट कर लेना है। देख लीजिए इस तरह से, यानी इसमें चुनट ना रहे, ये आपको ध्यान रखना है, कहीं प्लेट्स वगैरह चुनट वगैरह ना रहे। तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर इस तरह से लाइन आपको खींच लेना है, ये देख लीजिए। इसके बाद में अब उठाएंगे निशान। तो सबसे पहले शोल्डर का निशान लेंगे, यानी जो मुड्ढा है उसका 6 इंच का ले लेना है। 13 इंच कमर है और 19 इंच हिप्स पर लिया है हमने, क्योंकि इसकी लंबाई कम है कस्टमर की, थोड़ी हाइट कम है, इसलिए हमने 19 तक लिए है, नहीं तो 20, 21, 22 तक चलती है। नाप के हिसाब से लेना होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। यानी 39 इसकी लंबाई है तो हमने अस्तर ले लिया है, 40 लंबाई है दोस्तों, 39 हमने अस्तर लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में लेंगे नाप। तो दोस्तों नाप ये देख लीजिए, स्क्रीन पर नाप लिखी हुई है, नाप का चौथा हिस्सा लेना है, यानी 4 से डिवाइड करते हुए, ये देख लीजिए इस तरह से आपको ले लेना है, ये हमने ले लिया है। इसके बाद में हल्की सी जो नीचे गेयर है वो ले, यानी आधा इंच खुला लेते हुए ले लेना है आपको, ये देख लीजिए, और फिर निशान उठा लेना है, यानी हमने एक्स्ट्रा निशान ले लिया है, ये देख लीजिए, जो लूजिंग वाला जो ढीला टाइट कर सके, तो ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके बाद में लेंगे ये 6 इंच का आपको निशान उठा लेना है, 2.5 इंच का गला लिया हमने, ये देख लीजिए इस तरह से आपको ले लेना है, और यहाँ से इस तरह से आपको शेप ले लेना है, ये देख लीजिए, ये हमने निशान उठा लिया है। इसके बाद हम करेंगे कटिंग, तो एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में करेंगे कटिंग, ये देख लीजिए, ये 2.5 इंच गला है। इसके बाद में यहाँ से भी कटिंग कर लेना आपको, जो निशान लगा हुआ है बाहर वाला निशान है उसी के ऊपर लेना दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से कटिंग कर लेना। फिर ये देख लीजिए, ये हमने कटिंग कर ली है दोस्तों, यानी दोनों पल्लों की एक साथ हमने कटिंग की है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको निशान इधर भी उठा लेना है, ताकि बनाएंगे जब दिक्कत नहीं आएगी, बनाते वक्त कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी वक्त हमने निशान ले लिया है, उठा लिया दोनों तरफ, ये देख लीजिए, इसको एक बार देख लेते हैं, यानी ठीक है। तो इसके बाद में अब लेंगे जो आगे वाला पल्ला है उसमें शेप देंगे इनमें, यानी आगे वाला पल्ला ऊपर से हल्का सी डाउन करते हुए, और इसमें शेप दे देना आपको, ये देख लीजिए, ये हमने इसमें डाउन कर दिया ऊपर, यानी बूट पर डाउन कर दिया, आधा इंच बूट पर कर लेना आपको, और यहाँ से इस तरह से आगे वाले पल्ले में शेप दे देना, ये देख लीजिए इस तरह से आपको गोलाई दे देनी है, यानी इससे में आगे जो ना तो जोल आएगा ना प्लेट्स दिखेगी, यानी फिटिंग अच्छी आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये देख लीजिए। इसके बाद में यानी इसमें पीछे भी गला है दोस्तों, तो पीछे गले कटिंग कर लेते हैं पहले, यानी पीछे 7 इंच का गला है इसमें, तो हमने 7.5 ले लेना आपको, और 2.5 इंच की गोलाई ले लेना है, ये देख लीजिए इस तरह से निशान उठा लेना है, और इसमें गोलाई दे देना आपको, ये हमने गोलाई दे दी है गले की, ये देख लीजिए कितना अच्छा गला बना है। इसके बाद में अब करेंगे अस्तर की कटिंग। तो अस्तर की कटिंग करने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है दोस्तों, ये देख लीजिए नेट वाला कपड़ा है, तो इसकी करेंगे कटिंग। सबसे पहले इसको भी इस तरह से बिछा लेंगे, इसमें एक साथ नहीं करेंगे दोस्तों, दोनों पल्लों के अलग अलग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पहले करेंगे आगे वाले पल्ले की, फिर पीछे वाली पल्ले की कर लेंगे। इसको भी इसी हिसाब से सेट कर लेना है, यानी जितना पर
हमारा सूट है उसी के हिसाब से इसको सेट कर लेना है। एक तरफ आस्तीन निकल जाएगी और एक तरफ सूट निकाल लेंगे। ये देख लीजिए इस तरह से आपको बिछा लेना है, इस तरह से सेट कर लेना है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है इसमें प्लेट्स ना रहे हैं, इसमें भी अस्तर नेट वाले में। तो इसकी लंबाई अब इस सूट जो नेट है उसमें लेंगे पूरी लंबाई। तो ये देख लीजिए हमने 40 इसकी लंबाई ले ली है और इसमें तुरपाई वाला मार्जिन ले लिया हमने। और ये निशान उठा लेना आपको और सेम इसी के नाप से कटिंग करना दोस्तों। जो अस्तर है उसी के बराबर कटिंग कर लेनी है इसकी, इसमें एक्स्ट्रा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सेम इसी के नाप से कटिंग करेंगे, जब बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे, जो एक्स्ट्रा छोड़ने का मार्जिन रहेगा तो उसमें दिक्कत आती है दोस्तों। तो सेम इसी के नाप से कटिंग कर लें आप तो इसमें दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। ये आगे वाले पल्ले की हमने कटिंग कर ली है, अब करेंगे बैक पल्ले की कटिंग। तो बैक पल्ले की कटिंग करने के लिए हमने कपड़ा यानी नेट को बिछा लिया है। अब इसको भी इसी हिसाब से सेट कर लें जो हमारा पीछे वाला पल्ला इसमें निकल जाए आसानी से। इसमें प्रेस लगा के सेट कर लेते हैं दोस्तों, इससे क्या और भी अच्छा रहेगा, कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। अगर प्रेस लगा के कटिंग करते हैं तो दोस्तों कपड़ा इधर उधर नहीं होता है और बनाते वक्त भी दिक्कत नहीं आती, यानी क्रीज बीच सेंटर है क्रीज वाला जो इसमें उठ जाता है तो इससे दिक्कत नहीं आती है, गला टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, सभी चीज़ में सही रहता है। तो दोस्तों इसमें भी इसी तरह बिछा लेंगे आप और सेम इसी के नाप से कटिंग कर लेंगे। इसमें भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना आपको और सेम नाप से कटिंग करते रहना है। ये देख लीजिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। ये हमने कटिंग कर लिया दोस्तों और यहाँ से चटका लगा लेंगे, यानी जब नेट चिपकाएंगे तो इसमें थोड़ी आगे पीछे हो जाती है तो ये कुटके के हिसाब से बैठा लेंगे तो आगे पीछे नहीं होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो बनाते वक्त कोई परेशानी नहीं आएगी, यानी दिक्कत नहीं आएगी। अब करेंगे आस्तीन की कटिंग। तो आस्तीन की जो नाप है आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बाजू की नाप लिखी हुई है 14 लंबाई है, 12 इसके ऊपर से गोलाई और 10 नीचे से गोलाई, इसी के हिसाब से इसे को सेट करते हुए बिछा लेना आपको। तो दोस्तों इसमें एक तरफ जॉन्ट लगेगा और एक तरफ नहीं लगेगा, यानी जॉन्ट वाले पल्ले को पीछे रखना आपको और आगे वाले में जॉन्ट नहीं रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। जो नाप है उसी के हिसाब से इसको कपड़े को ले लेना आपको। ये देख लीजिए ये हमने लिया, यानी नाप का दूसरा हिस्सा लाना है, यानी 12 इंच लगा के उसके बाद में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और नीचे 10 इंच का आधा 5 इंच ले लेना है। इस तरह से आस्तीन की कटिंग करते हैं दोस्तों और इसमें शेप दे दें अच्छी तरह। ये देख लीजिए ये हमने आस्तीन की शेप की कटिंग कर दी है। तो इसके बाद में ये जॉइंट है दोस्तों, इसको भी इसके यानी रख के इसके नाप से कटिंग कर लेंगे। जो दबे का मार्जिन वो आपको ले लेना है, जो मार्जिन सिलाई में जाएगा उसको आपको ले लेना, उसके बाद में कटिंग कर देना है। एक्स्ट्रा मार्जिन उसको कटिंग कर लेना आपको। ये देख लीजिए ये हमने आस्तीन की कटिंग कर दी है दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, तो इसलिए वीडियो हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन कपड़े सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों ये हमने कटिंग कर ली है, देख लीजिए ये आस्तीन का मुड्ढा इसके बराबर आना चाहिए। तो दोस्तों ये सही है एकदम। तो दोस्तों इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो ये जॉइंट है दोस्तों आस्तीन का, इसमें भी इसमें रख देते हैं, यानी ये इधर उधर हो जाएगा तो इसमें स्टेबल लगा देते हैं।
ये देख लीजिए, इस तरह से स्टेप लगा लेंगे तो ये इधर उधर नहीं होगी, जब बनाएंगे तो इसमें चिपका रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।